क्या कर दिया स्वामी ने, तो ये सवाल। तो फ्रेंड उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, इससे पहले रेडमी नोट 9 प्रो लॉन्च हुआ था, अब रेडमी नोट 9 लॉन्च हो चुका है। तो बहुत सारे उसमें ऐसी बातें हैं जो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सौरभ झा, आप देख रहे हैं सौरभ झा जी चैनल को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि पता होगा आप लोगों को, इंडिया में रेडमी नोट 9 प्रो इससे पहले लॉन्च हुआ था, अब इंडिया में लॉन्च हो चुका है रेडमी नोट 9। इसी को लेकर टेक्निकल गुरु जी ने कुछ कहा है सिक्योरिटी अपडेट को लेकर। तो फ्रेंड्स, जैसे ही टेक्निकल गुरु जी ने अनबॉक्सिंग किया फ़ोन को, सारे स्पेसिफिकेशन फीचर सब कुछ बताया उन्होंने, फिर देखा बीच में कि हेलो एप्लीकेशन बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी हम लोग के 59 ऐप्स जो बैन हुए वो तो थे नहीं एप्लीकेशन, बट एक दो ऐसे एप्लीकेशन थे रेडमी नोट 9 में। तो उसी को लेकर टेक्निकल गुरु जी ने कुछ कहा है, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो उसी का वीडियो मैं आप लोग को आज दिखाऊँगा। और आप लोग बाद में मुझे कमेंट में बताएगा क्या टेक्निकल गुरुजी ने सही कहा या गलत। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं टेक्निकल गुरुजी सही हैं, क्योंकि जो 59 ऐप्स जो बैन हुए इंडिया में उन्हें रेडमी को नहीं देना चाहिए था, मेरा ये ओपिनियन है। क्योंकि देखिए, ये रेडमी नोट 9 जो है लॉन्च होने से पहले इंडिया में जो 59 ऐप्स है वो बैन हो चुके थे, बट इंडिया में फिर भी रेडमी ने वो एप्लीकेशन को उसमें इंस्टॉल करके दिया। तो उसी को लेकर टेक्निकल गुरुजी ने कुछ अपना सजेशन दिया, तो वही वीडियो मैं आप लोग आज दिखाऊंगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वो वीडियो को देखिए और समझिए टेक्निकल गुरुजी ने क्या कहा। लोडिंग, चलो फेसबुक, WPS ऑफिस, लिंक्डइन, ये ठीक है, लेकिन मी कम्युनिटी की ऐप मिली है जो कि क्लियरली टूल्स में क्या है, टूल्स में कुछ नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले तो यार जो मी कम्युनिटी की ऐप है गवर्नमेंट ने, तो ये ऐप इस फोन में प्री इंस्टॉल्ड है जो कि नहीं होनी चाहिए, और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जहां पे मैं इसको इंस्टॉलेशन के टाइम पे डिसेबल कर पाता। तो ये एक क्लियर चीज ऐसी दिख रही है सामने जो कि नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात मेरे को देख के लगी है इसके अंदर कि कोई मेरे को वो नहीं मिल रहा है आपका हेलो या वो था ना वो हगो पता नहीं क्या क्या जो रैंडम वाली ऐप है वो नहीं है, लेकिन हाँ मी कम्युनिटी मेरे को सामने दिख रही है। और अगर सिक्योरिटी में, और अगर हम जाते हैं क्लीनर में, और अगर हम जाते हैं इसके बाद में सेटिंग्स में, तो डेफिनेशंस तो क्लीनर मास्टर की हैं इस क्लीनर में, तो यार ये क्यों, मतलब लॉन्च यूनिट ने भी बोला है कि इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस मतलब कूट कूट के भर दी है बहुत ज्यादा। इसके अंदर 4 माइक्रोमीटर्स थिक हमको एक ग्रेफाइट शीट मिलती है पूरी की पूरी अच्छी हीट डिसिपेशन के लिए, मतलब 2 लाख रुपए का ब्लूटूथ स्कोर है, बहुत सारी चीज बातें हैं। तो फिर फोन में हमको चक्री घुमा के डेटा को क्लीन करने की जरूरत क्यों है भाई, ये एक स्मार्टफोन है ना, तो स्मार्टफोन है तो वो तो सारा काम इसको अपने आप कर लेना चाहिए, ये डम फोन तो है नहीं कि इसको हम साफ करें बार बार, तो फिर क्लियर क्यों चाहिए हमको फोन में। और अगर हमको क्लियर चाहिए, मान लो चाहिए, तो व्हाई नॉट वी यूज गूगल फाइल्स वगैरह का जैसा जहां पे वो ऑटोमेटिक। तो दोस्तों, आप लोगों ने जैसे सुना कि टेक्निकल गुरुजी बहुत ही नाराज है Xiaomi के ऊपर, क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट को लेकर उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, MI कनेक्टिविटी हटाया नहीं अभी तक उन्होंने क्लीन मास्टर का देकर रखा है, तो वो चक्री घुमाने वाला हाल इतने अच्छे मोबाइल में सूट नहीं करता है। तो मैं Xiaomi इंडिया को कहना चाहूँगा कृपया हटा दें, वरना टेक्निकल गुरुजी आपका मोबाइल का क्या करेंगे ये हम भी नहीं जानते हैं और आप भी नहीं जानते हैं। तो टेक्निकल गुरुजी का सपोर्ट में मैं भी हूँ। तो आई होप आपको ये आज वीडियो आज अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।